तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं एक्टिवा 4G में थोड़ा सा काम। तो गाड़ी में क्या है, भाई की जिनकी गाड़ी आप कंडीशन देख रहे होंगे, तो इनका थोड़ा सा लोडिंग का काम है, तो इसमें दिक्कत आई है गाड़ी के अंदर, वो मैं आपको बताऊँ क्या दिक्कत आई है और इसमें खर्चा भी। और आपके साथ पास ऐसी गाड़ी है तो अरे ऐसी कोई दिक्कत, इसमें कितना खर्चा था गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको मैंने बताऊँ, देखो इसकी ये वाली सील लीक, सील लीक होने से क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान है। सील अगर आपकी लीक होगी, सबसे पहले इंजन को ऑयल कम करेगी, इंजन ऑयल कम करने बाद क्या होगा, यहाँ से तुम्हारी लीकेज रहेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, चलो लीकेज है, तेल आप डलवा लो, सील डलवा लो। इसमें जो कमी आएगी, जैसे कि अगर आपकी फैन बेल्ट है, ये अगर सील लीक है तो आपकी क्या करेगी, आपकी फैन बोल्ट ऑयल जो होता है ऑयल फैन बेल्ट को गला देता है, ये फैन बेल्ट गल जाएगी। गलने बाद क्या होगा, फैन बेल्ट आपकी चलती चलती गाड़ी की टूट जाएगी। अगर आपकी इधर साइड से लीकेज है कलच के अंदर, तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इसकी लीकेज बंद कराएं। चाहे सर्विस का टाइम ना भी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी सील डलवानी है। यहाँ की सील डलने से क्या होगी, आपकी फैन बेल्ट बची रहेगी, तो आपको रास्ते बीच में कहीं गाड़ी धोखा नहीं देनी। करने क्या होगा, जैसे कि आप लीकेज यार बाद में करा लेंगे, तो क्या रहेगा, आपकी गाड़ी की फैन बेल्ट ऑयल जो होता है फैन बेल्ट गला देता, और गलते के साथ क्या होगा, आपकी गाड़ी की फैन बेल्ट टूटेगी। टूटने बाद आप गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो जाएगी। दूसरा, फैन बेल्ट तो इस गाड़ी की ठीक है, तो इसमें कहते हैं गाड़ी थोड़ी सी जैसे कि हम चला रहे, स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी की, इसकी बहुत हार्ड लग रही थी, और क्या कहते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद एकदम आगे भाग रही थी बिना रेस लिए हुए। तो ये होता है इसका वेविएटर, मैं आपको दिखा दूँ वेविएटर, इसके वेविएटर की दो नखे हैं, ये टूट गई, ये पुराना है, मैं आपको नया भी दिखाऊंगा, ये टूट गए इसके नखे। नखे टूटने बाद इसकी गोली की कंडीशन भी देख लें, गोली भी इसकी हो गई बिल्कुल ख़राब ही रही, गोली भी इसकी टूट चुकी हैं ये। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, एक तो हमारी इसमें डलेगी सील, और एक डलेगा आपके गाड़ी के अंदर ये वेविएटर, और ये डलेंगी आपकी गोली। तो सामान हम लेते हैं और आपको मैं नया दिखाता हूँ, सामान जो डालेंगे इसके अंदर आप ओरिजिनली डालेंगे एक्टिवा, मतलब मैं तो जो सी भी सबके लिए कहता हूँ भाई सामान ओरिजिनल डालो, पर खासतौर से एक्टिवा में क्या है, इसमें ये मैंने वेविएटर मैंने लोकल भी डाल के देखे गाड़ी के अंदर, पर लोकल कामयाब नहीं हुए। तो भाई तो ये है, आप लोकल भी इतने लोकल में ओरिजिनल में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 150 रुपये का फ़र्क होगा। आप ओरिजिनली वेविएटर डालें और ये गोली भी आप ओरिजिनली डालें, तो मैं आपको नई गोली दिखाता हूँ कैसी होती है, और मैं आपको वेविएटर भी दिखाता हूँ किसका कितने का है, और देखो इसकी कंडीशन की इसकी हालत क्या हो रही है। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसकी गाड़ी की पूरी पेडल से वॉशिंग करके इसकी धुलाई करता हूँ, धुलाई करने बाद आपको फिट करके बताता हूँ गाड़ी में, और इसका आपको खर्चा बताऊँगा, इस गाड़ी में कितना खर्चा था, और आपके पास एक ही गाड़ी है तो उसमें क्या दिक्कत आती है। एक बात और, लोग अक्सर क्या होता है, आपने अगर सील भी डलवा ली गाड़ी के अंदर, जैसे बोलते हैं यार हमने सील डलवा ली हमारी गाड़ी में, फिर भी ये सील वहाँ से यहाँ से तेल आता है, तो सबसे पहले एक सील यहाँ होती है ये वाली, ये बहुत कम ख़राब होती है, आप मानो 5% ये सील होगी, मुश्किल से 5% ही ये ख़राब होती है, ना जो होती है 95% ये वाली सील ख़राब होती है लीकेज है गाड़ी के अंदर। दूसरी बात, आपने वाली सील डलवा ली उसके बाद भी आपकी गाड़ी के अंदर लीकेज है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी क्रैंक है, ये क्रैंक अगर आपकी टेढ़ी होगी तो क्या रहेगी, इसकी सील आपकी लीक करेगी गाड़ी की। आप कितनी भी सील डाल लें इसके अंदर, चाहे ओरिजिनल लगा डालें चाहे कंपनी में डलवा लें, आपकी लीकेज बंद नहीं होनी चाहिए, इसकी क्रैंक आपकी सीधी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसकी क्रैंक भी टेढ़ी है गाड़ी की, पर मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा क्रैंक की सीधी सीधी करने की लगे लगे, अदरवाइज इसकी क्रैंक टेढ़ी है तो ये होगी खुल के सही पूरी की पूरी। बाकी हम थोड़ी सी चोट वोट मार के क्रैंक पे देखते हैं कि अपनी आ जाए, क्योंकि इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, धुआं हुआ गाड़ी कुछ नहीं दे रही है, इसलिए हम इस गाड़ी का इंजन नहीं खोलेंगे। कोशिश ये रहेगी इसकी क्रैंक कैसे सीधी करते हैं, अदरवाइज सीधी नहीं होती है, अगली बार हमने फिट करने बाद इसने फिर लीकेज करा, तो फिर हम इसका इंजन हमारी खोलना मजबूरी बन जाए, फिर हम इसका इंजन खोल के इसकी क्रैंक सीधी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसे धुलाई, धुलाई करने के बाद फिट करूंगा, फिर आपको बता देता हूँ। और आपकी गाड़ी की क्रैंक टेढ़ी है तो आपकी ये लीकेज बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जैसे गाड़ी के अंदर सेल्फ हमारे को कभी सेल्फ ले लेगी, कहीं कहीं गाड़ी आपकी सेल्फ छोड़ देती है, तो वो होती है अपनी क्रैंक की दिक्कत। तो अब मैं पहले बता दिया मैंने आपको, मैं सिर्फ वॉशिंग करके आपको दिखाता हूँ उसका सामान कितने का है और प्राइस क्या है इसके। तो दोस्तों जैसे कि आपने पहले इसकी कंडीशन देखी होगी, अब देख लें आप इसकी कंडीशन। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इसकी धुलाई कर ली है, जिसमें सब पेट्रोल से इसे वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, और ये रहा इसका कवर, पहले भी आपने देखा उसमें सब ऑयल भरा हुआ था, और यहाँ से भी हमने धो लिया। और अब मैं बताऊँ आपको सामान इसका कितने का है, क्या क्या डलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इसका वेविएटर है, इसके ये नक्शे टूट गए यहाँ पर, अब मैं आपको नया वाला वेविएटर दिखाता हूँ और इसकी कीमत बताता हूँ ये कितने का है। तो ये हमने परचेस करा है होंडा का जेन्युइन, तो इसकी ये 599 रुपये का है ये। और उसके बाद देखो इसके जो ये नक्शे हैं, आपको मैं खोल के पैकेट खोल के दिखाता हूँ इसके नक्शे टूट गए, इसमें क्या ख़राब हुआ है, क्या चीज़ की ठीक है। पहले सबसे पहले आप देख लो ये एक्टिवा न्यू मॉडल, और 599 रुपये इसकी MRP, जो कि हमने होंडा से ही परचेस कर लिया है। ये रहा इसका पार्ट नंबर, अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये रहा नया वाला, पुराने भरने में क्या इसके नक्शे हैं, जैसे कि ये तीन नक्शे होते हैं, एक येरा और येरा, इसके क्या नक्शे, इसके जो नक्शे ये टूट चुके हैं, ये यहाँ पे नक्शे होते हैं ये टूट गए इसके, इसमें बाकी वैसे ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ इसके नक्शे टूट गए, जिसकी वजह से ये हमें नया डालना पड़ेगा। अदरवाइज में नया नहीं डालेंगे तो ये गाड़ी अपनी नहीं चलेगी, ये नक्शे ये टूट गए इसके।
ये रहे अपने दोनों के दोनों, ये देख रहे हैं ये रहे नक्के, ये टूटे हैं तीनों के तीनों। तो इसका पुराने वाले का हुआ है ये खराब, और एक बार देख लें ये है इसमें, ये FCC कंपनी का, इसके अंदर से निकला है FCC, आप मार्केट से लेते हैं FCC के नाम से, वो ही मिल जाएगा आपको, वो थोड़ा आपको सस्ता ही पड़ जाएगा 150-150 रुपये। ये हमने ओरिजिनल खरीदा है, ये रहा अपना वेविएटर। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इसकी वेविएटर की गोली की, जैसे कि अपनी पुरानी गोली ये नहीं, ये हो गई ख़राब, और ये ले ली हमने होंडा की ओरिजिनल गोलियाँ। तो गोलियों की मैं आपको बता दूँ, ये 293 रुपये की गोली हैं, और इसके अंदर ये पूरी 6 की 6 गोली इसके अंदर नहीं मिलेंगी आपको, इसे भी ज़रूर डलवाया गाड़ी की। तो इससे क्या अपनी गाड़ी, जैसे कभी कभी आपने देखा गाड़ी बहुत सी गाड़ियों का वाइब्रेट करती है एक्सीटर, तो जब ये गोली ये ख़राब हो जाती है तो वाइब्रेटर करने लगती है। 293 रुपये की गोली हो गई, और इसकी सील ये 50 रुपये की इसकी सील है, ये क्लच वाली सील, ये खाली अलग से मिल जाती है, पूरा सेट भी लोगे तो सेट के साथ भी आती है, अदरवाइज अलग से भी मिल जाती है। और एक इसका ये पैकेट, इसका सील किट का मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है, किसी वजह से और ये जो टूटा है अपना वेविएटर जो ख़राब हुआ है वो किस वजह से ख़राब हुआ। तो ये जो वेविएटर जो इसका जो ख़राब हुआ वो है इनकी वजह से, ये इसके रोलर हैं, मतलब अभी जो बहुत सी सब अपने अलग अलग होते हैं कहने के लैंग्वेज, कोई काजू की बोल देता कोई कुछ बोल देता, तो ये अपने लगते हैं यहाँ पर इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर। तो क्या थी इसकी, ये सबसे पहले ये इसकी जो रबड़ की किट है ये हो गई थी ख़राब, उसके बाद क्यों अब ये बिना रबड़ के जब इस तरीके से यूँ चला तो इसमें झटके लग के, इस तरीके से इसमें लगे झटके, झटके लगने से ये इसके नक्खे टूट गए, नक्खे टूट रहे थे इसकी गोलियाँ ख़राब हुई और ये ख़राब हो गया। तो सबसे पहले क्या, जब भी आप वेविएटर का भी खोलो तो इसकी अगर ये रबड़ की जो ये गुटको जाए ये ना हो ये ज़रूर लगाएं इसके अंदर। तो इसे कर लेते हैं हम पूरे सामान को गाड़ी के अंदर कर लेंगे फिर, जैसे कि मैंने आपको बता दी इसकी MRP, मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये वेविएटर है 599 रुपये का, ये गोली है अपनी जो अपनी गोली हैं ये हैंगे आपके 293 रुपये की, सब ये सामान होंडा का जेन्युइन सामान है, ये सील हो गया। इसे कर लेते हैं गाड़ी को फिट करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसे फिट करके। और आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, जब भी इसे आप नया सामान डाले ज़रूर धो लें, धोने से क्या रहेगा इसमें जो तेल होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा बाहर, तो नया उसके बाद हम फिट करेंगे, अदरवाइज आपने इसे धोया नहीं है इसे फिट कर दिया तो ये फैन बेल्ट जो इसके अंदर तेल है फैन बेल्ट के ऊपर चलेगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूंगा, और ये फैन बेल्ट हो जाएगी अपनी ख़राब। तो गाड़ी को कर लेते हैं हम फिट। तो दोस्तों ये जो किट है इस किट को तीनों के तीनों आपको किट ज़रूर लगाने है, अदरवाइज आपने ये नहीं लगाया तो आपकी जो नक्खे होते हैं जिस जो ये टूटे हैं ये आपके टूट जाएंगे और आपका वेटर हो जाएगा 600 रुपये का नुकसान। ये आपके 50 रुपये की किट आएगी, उसके साथ ही आपको पूरा मिलेंगे, इसमें किट में आपके साथ ही पूरा स्प्रिंग विस्प्रिंग होती है कलश शू की, तो इसे ज़रूर लगाएं। बिना इसका एक भी टूटा हुआ है तो आप इसका वो ना करें, थोड़ा सा भी लालच या लापरवाही इसकी वजह से आपका एक होगा वेविएटर जो होगा आपका टूट जाएगा और आपका हो जाएगा नुकसान गाड़ी में। तो इसे ज़रूर लगाएं पूरे तीनों के तीनों ही। अब करते हैं हम फिट गाड़ी।